उत्पन्न कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि जो किसान की जब बात आती है तो राजनीतिक पुट नहीं आ सकता है, जब सेना की बात आती है, सैनिक की बात आती है, सुरक्षा की बात आती है, राष्ट्रीयता की बात आती है, ऐसे ही किसान की बात में भी राष्ट्रीयता है। एक भगवान है जो जन्म देता है, ईश्वर है, और एक जीवन को चलाने वाला अन्न होता है और अन्न उगाने वाला भी किसान है, दोनों एक श्रेणी में। मुख्यमंत्री जी भी ये बात बार बार कहते हैं मेरे प्रदेश के में, सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने भी कहा। मैं मानता हूँ कि रात के अंधेरे में जो कानून पास किए, ऑर्डिनेंस ला के, अध्यादेश ला के जो कानून बाद में पास करवाया, अपने आप में बताता है कि दाल में कुछ काला है। मैं प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जितनी लागत जिसमें खाद आता है, बीज आता है, कृषि आती है, सिंचाई आती है, बिजली आती है, जितनी लागत लगे उससे डबल कम से कम मिनिमम प्राइस होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में गेहूं 1400 रुपये बिक रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं प्राइवेट मंडी खोलने का अध्यादेश इसी सत्र में लेके आऊँगा। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को इस मामले में भ्रमित करना चाहती है, और किसान की जब बात आती है तो कांग्रेस और बीजेपी गौण हो जाती है या राजनीतिक भाव गौण हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, देश का किसान इस अन्नदाता आपका और हमारा दोनों का शुभचिंतक है, देश का शुभचिंतक है। सकारात्मकता से उन मुद्दों पर बात होनी चाहिए जो किसानों की मांग है, उन पर काम होना चाहिए। हठधर्मिता किसी भी प्रकार की किसी भी सरकार के लिए ठीक नहीं।